नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिनय। बीते गुरुवार शाम चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारा सीआईएसएफ के जवान ने। दरअसल सीआईएसएफ की जिस जवान ने कंगना को थप्पड़ मारा उसकी वजह भी सामने आई। दरअसल एयरपोर्ट पर अचानक सीआईएसएफ के जवान ने कंगना रनौत के चुनाव जीतने के बाद जब वो दिल्ली आ रही थी उस दौरान उन्होंने चेकिंग के दौरान उन्हें थप्पड़ जड़ा। कंगना रनौत को जब थप्पड़ पड़ा तो उन्होंने कई वजह बताई थप्पड़ मारने। दरअसल जो सीआईएसएफ के जवान जिसने थप्पड़ मारा था कंगना को, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जब कंगना रनौत ने इस तरीके की बातें कही थी कि किसानों की भीड़ 100-100 रुपये में यहाँ पर लेकर मौजूद है, किसान आंदोलन में मौजूद है, 100-100 रुपये लेकर यहाँ पर किसान जो है आए हैं, इस पर उस सीआईएसएफ के जवान का कहना था कि उनकी माँ उस आंदोलन में मौजूद थी और उन्हें कंगना का ये बयान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को काफी अच्छे तरीके से बुना रहा है। विपक्ष का कहना है कि शायद कंगना को उनके किए की सजा मिल गई। वहीं अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में हरियाणा के किसान भी कूद चुके हैं। दरअसल उन्होंने साफ तौर पर यह धमकी दी है कि अगर सीआईएसएफ के जवान कुलवंत कौर पर अगर कोई भी एक्शन होता है तो फिर एक बार फिर वो आंदोलन करते नजर आएंगे। दरअसल कंगना रनौत के खिलाफ जब थप्पड़ ये कांड हुआ उसके बाद सीआईएसएफ की जवान को नौकरी से निकालने की बात सामने आने लगी। हालांकि इस मामले में फिलहाल अभी एफआईआर नहीं हुई है क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में ये बात तो तय है कि अब राजनीति काफी तेज हो चुकी है और हरियाणा के किसानों ने आंदोलन करने की बात भी कह दी। अब देखना होगा कि कंगना और कुलवंत कौर का ये मुद्दा आखिर कहाँ तक जाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।